उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर, कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए, और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई, और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई? कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है,
वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचे, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को लड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं, मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है, और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है, तब तो मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथ। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। बीजेपी पर अखिलेश यादव की तरफ से जोरदार हमला बोला गया। अखिलेश सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर कह रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हत्याएं करवाई जा रही हैं एनकाउंटर के नाम पर, मंगेश यादव की हत्या की गई, ये कहना है अखिलेश यादव का।